हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडीई। आज हम लोग पावर प्लांट की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। उस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट को। थर्मल पावर प्लांट बेसिकली हम इसको स्टीम पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट भी बोलते हैं, यानी कि आपने सुना होगा कि कोयले से बिजली बनना। तो ये कैसे बनता है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में आज एक शॉर्ट डिस्कस करेंगे। थर्मल पावर प्लांट ये ऐसा पावर प्लांट है जिसकी वजह से हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यानी हम जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमारे पास थर्मल पावर प्लांट से ही आ रहा है, चाहे हम अपने घर में यूज कर रहे हो या इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा हो। ये देखिए, इस तरह के आपने अगर दूर से देखे होंगे तो इस तरह के थर्मल पावर प्लांट आपको दिखे होंगे, और अंदर जाकर देखे होंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो। तो इसकी थ्योरी पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हम जनरली एक अल्टरनेटर्स जो हैं उनको रन कराते हैं स्टीम टरबाइन की हेल्प से। अभी स्टीम टरबाइन क्या होते हैं, अल्टरनेटर्स क्या होते हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। इन थर्मल पावर प्लांट में हम एक बिट्यूमिनस कोल, बिट्यूमिनस टाइप का कोल यूज करते हैं जिसमें 8 से 33% वोलेटाइल मैटर होता है और 5 से 16% एश कंटेंट होता है। ठीक है, इस कोल को हम एवरेज क्वालिटी का कोल भी यूज करते हैं, एवरेज क्वालिटी का कोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोल जो है चीप होता है, सस्ता पड़ता है। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा एवरेज क्वालिटी का कोल ही यूज किया जाता है। ठीक है, यह है इसकी वर्किंग को हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉयलर से स्टार्ट करेंगे। ये बॉयलर है, बॉयलर यानी कि बॉयल करना। तो इसमें जो है हम बहुत सारा हमारा पानी भरा रहता है इस बॉयलर में, बहुत बड़ा बॉयलर होता है पावर प्लांट में। इसके नीचे एक फर्नेस होता है, इस फर्नेस पर हम एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के जरिए कोल हैंडलिंग प्लांट से हम कोल को डालते जाते हैं, और वो कोल हैंडलिंग प्लांट जो है हमारा कोल स्टोरेज से कोल को लेता रहता है। उस कोल हैंडलिंग प्लांट से जब हमारा फर्नेस में कोल जाता है और उसको हम हीट देते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉयलर का पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसका टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो जो है स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है पानी, तब उस स्टीम को हम सुपर हीटर में भेज देते हैं। जब हमारा फर्नेस से जो है कोयला बर्न होता है और उसमें जो है ऐश निकलती है, उस ऐश को हम ऐश हैंडलिंग प्लांट से ऐश स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। इस ऐश को भी स्टोर करने की एक मैकेनिज्म होती है, इसमें दो टाइप की ऐश होती है, एक फ्लाई ऐश और एक बॉटम ऐश। तो जो बॉयलर से हमारी स्टीम निकलती है उस स्टीम के साथ साथ फ्लू गैसेस और आती हैं, उस स्टीम को हम सुपर हीटर में उसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, यानी सुपर हीटेड स्टीम का यूज करते हैं। इस सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर लगभग 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इस सुपर हीटेड स्टीम को जब हम टरबाइन पर ले जाते हैं तो टरबाइन के जो है रोटेट होने लगती है, और वो टरबाइन जो है इसकी हीट एनर्जी को, स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इस टरबाइन से हमारा जनरेटर कपल्ड रहता है। ये जनरेटर या अल्टरनेटर आपको पता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अब टरबाइन से जो स्टीम जो बच के स्टीम आती है उसको हम कंडेंसर में ले जाते हैं। उस कंडेंसर का काम होता है स्टीम को कंडेंस करना या ठंडा करना, वो हम कूलिंग टावर की हेल्प से ठंडा करते हैं। ठीक है, इसलिए ये पावर प्लांट जो है जनरली कभी कभी रिवर के आसपास भी बनाए जाते हैं। तो जब ये हमारी स्टीम जो होती है कंडेंस होकर के हम लो प्रेशर हीटर और हाई प्रेशर हीटर की हेल्प से हम यहाँ पर इसको इकोनोमाइजर में ले जाते हैं ठंडी स्टीम को, और वो जो है लगभग जो है थोड़ा थोड़ा वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और उसी वाटर को जो है बॉयलर में डाल देते हैं।
इसी के साथ साथ सुपर हीटर से में जो हमारी फ्लू गैसेस गई थी वो फ्लू गैसेस जो है हम इकोनोमाइजर में भेज देते हैं। उन फ्लू गैसेस का क्या ये काम होता है, वो फ्लू गैसेस में बहुत ज़्यादा हीट होती है, इकोनोमाइजर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हमने फीड वाटर जो भेजा था उस फीड वाटर को थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा करके हम बॉयलर में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है कि हमारा इकोनोमाइजर के जरिए जो है ये फीड वाटर जो है फ्लू गैसेस की हीट से हीट ऑफर के जब ये आ रहा होगा तो यहाँ पर कुछ हमें गर्म पानी मिलेगा जिसकी वजह से हमारा कोयले का कंजम्पशन भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होने लगेगा। फर्दर जो स्टीम होती है हमारी, सॉरी फ्लू गैसेज जो होती हैं उसको हम इकोनोमाइजर से पास करा करके एयर प्री हीटर में भेजते हैं। एयर प्री हीटर क्या करता है कि ये एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को लेकर के और उन गैसेस की हीट दे करके वो जो हॉट एयर जो होती है उसको भी हम बॉयलर में भेज देते हैं। ये भी क्या काम करते हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और कोल कंजम्पशन को कुछ हद तक कम कर देते हैं। जब हमारी फ्लू गैसेस पूरी तरह से ठंडी हो जाती हैं तब हम उनको चिमनी के जरिए ऊपर पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी नॉर्मल वर्किंग जिसको हमने एक ब्लॉक डायग्राम से समझा। अब इस पावर प्लांट में क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये पावर प्लांट जो है जनरली हमारे रेलवे ट्रैक के आसपास बनाए जाते हैं क्योंकि ताकि हम आपने देखा हो कि बाई रेल जो है बहुत सारा कोयला वगैरह ले जाया जाता है और हैवी मशीनरी वगैरह ले जाई जा सके आसानी से, इसलिए इन प्लांट्स को रेलवे ट्रैक के आसपास ही बनाना चाहिए क्योंकि इसमें रेलवे का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये जो वर्किंग है जो मैंने आपको समझा दी इसको आप नोट कर सकते हैं। एडवांटेज इसका ये होता है कि पहला एडवांटेज तो ये होता है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल क्यों जो होता है, क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होती है और पावर प्लांट के जरिए। इस पावर प्लांट में जो हमारी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट से बहुत कम होती है। इस पावर प्लांट का जो मेन फ्यूल होता है वो हमारा कोल होता है जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा सस्ता होता है कंपेरिजन टू पेट्रोल डीजल, तो इसलिए जो है इसमें जनरेशन जो कॉस्ट होती है हमारी वो बहुत कम होती है जबकि पेट्रोल या डीजल पावर प्लांट में हमारी जनरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस इसकी बहुत ईजी होती है। ठीक है, अगला एडवांटेज है इसका कि थर्मल पावर प्लांट को हम कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बस ऐसी जगह पर जहाँ पर हमको बल्क में पानी की अवेलेबिलिटी मिल जाए। डिसएडवांटेज इसके ये होते हैं कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। रनिंग कॉस्ट का मतलब इसकी वर्किंग जो है तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि हमारे पास कोल है। एक थर्मल पावर प्लांट में तकरीबन 15 दिन का कोयला जो है हम रिजर्व रखते हैं, तो इसलिए जो है इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और मेंटेनेंस भी कम होती है। सॉरी, मेंटेनेंस इस वजह से रनिंग कॉस्ट जो होती है वो तो कम होती है लेकिन कंटिन्यूस जो है हमको कोल चाहिए होता है। अगर कोल नहीं है तो हमारा पावर प्लांट ये बंद हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में इसकी मेंटेनेंस जो है हमें देखनी पड़ती है कंटिन्यूसली। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमारी जो है रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, एडवांटेज में हमने बताया था कि इनिशियल कॉस्ट कम होती है, डिसएडवांटेज में है कि इसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, कंटिन्यूसली हमको कोल चाहिए होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, चिमनी के जरिए बहुत सारा स्मोक जो है वो बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, अगर हमने ये पावर प्लांट कहीं पर भी रिवर के आसपास बनाया है तो जो हमारा बॉयलर से जो हीटेड वाटर आ रहा है वो जो है पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए बहुत, उनकी लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे पानी में। और अगला इसका डिसएडवांटेज है कि इस पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है वो कम होती है, अप्रॉक्स 30%।
तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इस पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने इसमें दिखाए हुए हैं, जैसे कि इकोनोमाइजर, इन पर थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे, सुपर हीटर, टर्बाइन, जनरेटर, बॉयलर, ये सब चीज़ें, कंडेंसर, ठीक है। थैंक यू।